हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू आकाश सिक्योरिटी नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले उस टॉपिक का नाम है हाउ टू डू फायर ड्रिल। हम प्रीवियस वीडियो में थर्ड वीडियो मॉक ड्रिल के बारे में, तो फर्स्ट वीडियो में हम देखे थे मीनिंग ऑफ मॉक ड्रिल, बेनिफिट्स ऑफ मॉक ड्रिल। लाइक सेकेंड वीडियो में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर ड्रिल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डू फायर, कैसे करते हैं फायर ड्रिल। तो आज के वीडियो में हम लिया है टॉपिक का नाम है फायर ड्रिल। फायर ड्रिल अभी आप किधर भी इंटरव्यू को जाएंगे, किधर भी आपको तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे करते हैं फायर ड्रिल, कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे किया जाता है, ये तीन क्वेश्चन आपको इजुअली पूछते हैं। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फायर ड्रिल, ड्रिल का मतलब क्या, फायर का मतलब होता है आग और ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब तो अभ्यास। तो आग लगने, इमरजेंसी आग लग गई तो हम इवैक्यूएशन कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स का हम इस्तेमाल करके हम पूरी प्रेमिसेस, पूरी कंपनी इवैक्यूएट करेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायर ड्रिल का मीनिंग पता चला। अब आफ्टर इन्फॉर्मिंग एवरीवन, सबको इसके बारे में बोलने के बाद फायर ड्रिल किया जाता है। जब इमरजेंसी के टाइम क्या करना है मालूम होने चाहिए, इसीलिए फायर ड्रिल मॉक ड्रिल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर देखेंगे 2P मेथड का मैं यूज़ किया है। कंफ्यूजन मत हो जाओ कि 2P मेथड क्या है। 2P मेथड बोले तो प्लानिंग एक्टिविटी और परफॉर्मिंग एक्टिविटी। जब भी फायर ड्रिल होता है, द फर्स्ट प्लानिंग एक्टिविटी होता है, सेकंड परफॉर्मिंग एक्टिविटी होता है। तो अभी प्लानिंग एक्टिविटी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, दैट मीन्स आपको सबका प्लानिंग करना पड़ता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको एक प्लानिंग करके, नोट डाउन करके, उस पर डिस्कस करके आपको कंडक्ट करना पड़ता है। और सेकेंड है परफॉर्मिंग एक्टिविटी, बोलो तो असाइनिंग पर्टिकुलर टास्क टू राइट ग्रुप और राइट पीपल, बोले तो आपको ग्रुप करना पड़ता है, राइट पीपल को चूज करके उनको उनके काम के बारे में बोल देना पड़ता है कि क्या करना है आपको, क्यों करना है, क्योंकि सिक्योरिटी टीम को क्या करना है, हाउसकीपिंग टीम को क्या करना है, BMS टीम को क्या करना है, ये सब अब चूंकि परफॉर्मिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं। बोले तो टू टाइप्स है, प्लानिंग एक्टिविटी और परफॉर्मिंग एक्टिविटी। हम देखेंगे प्लानिंग एक्टिविटी में हम इस दोनों में हम क्या क्या करते हैं, ये मैं 5-6 पॉइंट लिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इवैक्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय वेंडर कॉन्ट्रैक्टर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम होना चाहिए सब सम ह्यूमन बीइंग को बाहर निकालना, मटेरियल के बारे में, एसेट्स के बारे में छोड़ देना है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटेंशन ओनली इवैक्यूएशन द ह्यूमन बीइंग, सबको कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, एम्प्लॉय रहने दो, सबको बाहर निकाला। आपकी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की क्वांटिटी रहती है, कॉन्ट्रैक्टर रहती है, सबको बाहर निकल के काउंट, लास्ट में अपना काम में काउंट करना है, इसलिए सबको पहला बाहर निकलना है। तो उसके बाद है गैदरिंग सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट लेडी टू असेंबली पॉइंट। लेकिन फायर ड्रिल जब भी करते हैं, तब हम ड्रिल जब करते हैं तो हम पहले ही उन सब लोगों को बाहर लेके आते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम हमको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बाहर निकलना है, सब लोगों को बाहर निकलने के लिए बोलना है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी हो नहीं तो सीनियर सिटीजन हो, उनको आपको बाहर लेके आना है, उनको बोलना नहीं है सिर्फ। तो ये सेकेंड पॉइंट है। अभी थर्ड पॉइंट है क्विक चेक रीचेक ऑल फ्लोर, क्योंकि कोई हेडफोन डाला है, हेडफोन डाल के गाने सुनते हुए काम कर रहा है तो उसको मालूम ही नहीं होगा क्या चल रहा है बाहर, इसके लिए सबको चेक और रीचेक करना है। चेक कर दो, सिक्योरिटी के दो तीन बंदे रहते हैं, वो एक बार फर्स्ट चेक करेगा, सेकेंड उसके पीछे चेक करेगा, बस चेक और रीचेक हो जाएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा अंदर कोई भी नहीं है। अभी थर्ड है एड्रेसिंग पीपल डू एंड डोंट थ्रू PA सिस्टम एंड शटडाउन। अभी एड्रेसिंग पीपल थ्रू PA सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, एड्रेसिंग सिस्टम, उससे सबको बोलना है क्या करना है क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आराम से जाना है, स्पीड चलना है, बोलना नहीं है, ये सब चीज़ों को PA सिस्टम के थ्रू हम बोलते हैं। और शटडाउन ऑल आपके कंपनी में कितने भी लिफ्ट्स है उसको शट डाउन करके वो ग्राउंड फ्लोर के लाके ओपन कंडीशन में रखना है उसको। अभी उसके बाद है प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंजर पीपल। उसके आपको नौटंकी करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी हो गई तो हम फर्स्ट एड कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, क्या करना है क्या नहीं, फर्स्ट एड CPR कैसा देना है, कुछ करना है उसको, फर्स्ट एड 4-5 लोगों को यू नो
इंजर करना है, इंजर करके उनको प्रैक्टिस करना है कि ईआरटी टीम मेंबर को प्रैक्टिस करना है कि क्या क्या करना है, क्या क्या कर। ईआरटी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का फुल फॉर्म है ईआरटी का फुल फॉर्म। गैदरिंग एवरीवन टू असेंबली पॉइंट एट हेड काउंट, सबको सबको लेके आने के बाद उधर सेफ असेंबली पॉइंट पे सबको लेके आने के बाद उसका हेड काउंट करना है। हेड काउंट करने के बाद पता चलेगा आपको कितने कम है और कितने ज़्यादा है, क्यों कम है, तो ये पता चलेगा। उसके बाद आता है नोटिंग लास्ट पर्सन रेस्क्यू और काउंट। अभी नोटिंग लास्ट पर्सन, क्यों लास्ट पर्सन को है उसका टाइमिंग लिख के रखना है, क्योंकि आपको पता चलेगा फायर ड्रिल कितने टाइम में हो गया लास्ट पर्सन, नहीं तो लास्ट पर्सन को कौन लेके आया उसका, कोई तो लेट पता चलता है, तो लेट आदमी आ सकता है और नहीं तो सिक्योरिटी के बंदा लेके आ सकता है, इसीलिए उसका टाइमिंग आपको लिख के रखना है। तो आपको अभी समझ में आया, इन शॉर्ट समझ में आया होगा फायर ड्रिल मीनिंग, फायर ड्रिल कैसे करते। तो कभी भी आपको किसी ने क्वेश्चन किया इसके बारे में फायर ड्रिल क्या है, तो बस सीधा बोलने का 2P मेथड का हम यूज़ करते हैं सर, प्लानिंग एक्टिविटी परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अभी प्लानिंग एक्टिविटी में हम क्या क्या, प्लानिंग एक्टिविटी में हम लिख के लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। परफॉर्मिंग एक्टिविटी का सबको उनका उनका काम बांटा जाता है, टास्क बांटा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 5 टाइप। फर्स्ट है इवैक्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय वेंडर कॉन्ट्रैक्टर, गैदरिंग सीनियर सिटीजन टू असेंबली पॉइंट, क्विक चेक री चेक ऑल फ्लोर, एड्रेसिंग पीपल डू एंड डोंट थ्रू PA सिस्टम एंड शट डाउन, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंजर पीपल, गैदरिंग एवरीवन टू असेंबली पॉइंट हेड काउंट, नोटिंग लास्ट पर्सन रेस्क्योर। लेकिन ये सब करने से पहले हम सबको बोलते हैं कि कल हम इस टाइम पे फायर ड्रिल लेने वाले हैं, क्योंकि आप किसी को बोले नहीं और डायरेक्ट फायर ड्रिल किए हो तो वो पैनिक हो सकते हैं, इसीलिए आपको बोलना है कि हम फायर ड्रिल लेने वाले हैं कि उनको उनके टीम के हेड को बोल के है हम करते हैं। किसी में क्वेश्चन किया तो आफ्टर इन्फॉर्मिंग इंटीमेट करके एवरीवन इंटीमेट करके हम फायर ड्रिल लेते हैं। आई होप आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो। कल मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप देखो तो आपको समझ में आएगा कैसा स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ऑल चल रहा है, कि वीडियो कैसे कैसे अपलोड हो रहे हैं सब कुछ पता चलेगा और कोई इंटरेस्ट भी आएगा आपको। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं सीनियर बन जाऊँ, तो सीनियर बनने के लिए आपको इस ऑल पॉइंट पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप सीनियर बन सकते हैं। इसीलिए मैं अभी ए पॉइंट, कल के पॉइंट में हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं। इसके लिए आप जो भी नए मेरे नए बंदे आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उनको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, लाइक और कमेंट भी करना है और बेल आइकन घंटी हिट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।